Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Namaskar, aap dekh rahe hain FastBite.tv. यूपी के मेरठ में एक छात्रा से गैंग रेप कर उसकी हत्या करने के मामले से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही एक युवक ने अपने साथियों संग पहले छात्रा से गैंग रेप किया और फिर उसे जबरन जहर पिला दिया। किसी तरह बदहवास हालात में घर पहुंची छात्रा ने आपबीती बताई। परिजनों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने गांव के ही लखन समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के घर से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस संपूर्ण घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने यह बताया। जी, लड़की करीब 3:30 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ने गई, तो ट्यूशन नहीं पहुंची हो उन्होंने रास्ते में, इसका 3-4 लड़कों ने घर से रास्ते में कब्जा ली। जो भी करा उन्होंने, इसके साथ लड़की की बलात्कार करा और घर पे ही उन्होंने उसी में जहर दे दिया लड़की को। उसके बाद क्या हुआ फिर आप? उसके बाद ये कपड़े फट रहे थे लड़की के, ये भक्ति दौड़ती उनसे चपर के घर आई। इनने घर आके बताया कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे उन लड़कों ने, एक लड़के का नाम बताया इन्होंने और का नाम बताया नहीं, कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरी गैल हत्यापाई करी उन्होंने, मेरी जबरदस्ती करी और जी मेरे जहर दे दिया। कहाँ के रहने वाले लड़के? ये लड़की कपसाड़ की जी। और आरोपी कहाँ के रहने वाले? आरोपी जी कपसाड़ के। पुलिस से शिकायत कर दी आपने इस मामले? हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए जी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? अब तक कुछ भी नहीं हुई जी। अब पुलिस जो भी करेगी, हमने रिपोर्ट कर दी जी, जो भी करेगी वो करेगी। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। कुलदीप जी, कहाँ से आप? कपसाड़। क्या घटना हुई थी आपके परिवार में? घटना ये हुई जी, हमारी लड़की ट्यूशन पढ़ने जाती थी गांव में, तो उसका गैंग रेप किया गया। 4 लड़के थे वे और उसे जहर दे दिया गया। वो उनसे चपर के घर आई, वो गिर पड़ी। उनने आके ये कहा कि मम्मी मुझे बचा ले। उसका लड़के का नाम लिया, उसका नाम क्या होता, लखन नाम लिया। और उसने 3 लड़के का नाम वो जानती नहीं थी, उनका नाम नहीं लिए भाई, 4 लड़के बताए उसने। क्या पुलिस का ये कहना भी है कि कोई सुसाइड? हाँ जी, कोई सुसाइड नहीं हुई, सब फर्जी है। सिर्फ मोबाइल नंबर मिला उसके मम्मा का और मम्मा की घरवाली का, 2 मम्मा का 2 फोन नंबर मिले। सुसाइड नोट कोई नहीं मिला। उस सुसाइड नोट को हमें दिखाओ, अगर कोई लिखावट होगी तो उसको हम मिलाएंगे, उसकी लिखावट हो तो हम वो देंगे। इस केस में क्या ये राजनीति बनाई जा रही है? सब ये राजनीति बन रही है जी, नेताओं की राजनीति है सब। इस बारे में SP देहात केशव कुमार ने यह जानकारी दी। थाना सरधना के ग्राम कपसाड़ में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना स्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। लड़की के घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मुख्य रूप से लखन नामक एक व्यक्ति का जिक्र है और उसके साथियों का जिक्र है। इसके आधार पर जो मुख्य अभियुक्त है लखन पुत्र संजय, इसकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कर ली गई है। प्रकाश में आए दूसरे अभियुक्त विकास पुत्र बलवंत उर्फ बुल्ली की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये जो मुख्य अभियुक्त लखन है, ये उसी जगह पर ट्यूशन पढ़ता था जहाँ पर मृतका ट्यूशन पढ़ा करती थी। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FastBite.tv। नमस्कार।